रिंकू मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरा बैग रूमाल पर्स दे दो। अरे नहीं 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 पर्स मत देना, पर्स तो मैं ले लूंगा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें पर्स देने को कहता हूं तुम उसमें से मेरे पैसे उड़ा लेते हो। पर्स में पैसे होते कब है तुम्हारे? सारे दोस्त पहली बीवी पर उड़ा देते हो। हो गई शुरू सुबह सुबह। जब भी तुम्हें मौका मिलता है मेरी पहली बीवी का नाम लेकर तुम मेरा मूड ऑफ कर देती हो। लो, मैं तो सोच रही थी उस रंभा का नाम लेने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है। अब रिंकू फिजूल की बातों में वक्त जाया मत करो, जल्दी से मेरी चीजें दे दो और मेरी छुट्टी कर दो, वरना ऑफिस में बॉस मेरी छुट्टी कर देगा। ये तुम्हारा बैग। और एक बात बता, बोलो। तुम्हारे बैग में ये लेडीज रुमाल किसका है? पहले तुम बताओ कि मेरा बैग खोलने को किसने कहा था? देखो रोहन, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, ये रुमाल किसका है? अरे मैं नहीं जानता किसका है, तुम्हारा ही होगा यार ये रुमाल। देखा तुमने, इस पे आर छपा है, इसका मतलब तुम्हारा ही रुमाल है। लेकिन आर से रितु भी तो हो सकता है ना रोहन? अरे सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो तुम? रोहन रोहन, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? जानती हो तुमने मेरे लिए जो शर्ट निकाली थी ना सुबह, उसमें बटन ही नहीं था। रोहन वो टी शर्ट था। लेकिन शर्ट जैसे क्यों लग रहा था? मुझे क्या पता रोहन। तो पता नहीं तो टी शर्ट क्यों निकाला। मैं जा रहा हूं। बाय 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 बाय। कितनी बार बाय 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 करोगे? तुम कुछ भूल रही हो? ओ रोहन, क्या कर रही हो? लिपस्टिक लग जाएगी ना। मेरा मोबाइल देना भूल रही हो तुम? अरे यार मोबाइल मेरी जेब में, बता नहीं सकती थी तुम, इतना भी नहीं जानती। हेलो बोलो रिंकू। शराब? अरे तुमसे शराब नहीं कहा, तुम बोलो ना, तुम क्यों चुप हो गई? रिंकू से कहा मैंने, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि इस वक्त मुझे फोन मत किया करो। रिंकू बगल में खड़ी है। एक मिनट रुक जाइए। मम्मी ने कहा है कि डैडी को घर में मत आने देना। क्यों? अरे क्यों क्यों, अपनी छम्मक छल्लो के सामने उसे फोन पर डांटते हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने मम्मी को फोन पर डांटा था ना? हाँ तो? तो तब से मम्मी हुए 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 स्कूटर चला रही है। नहीं बाबा, हुए हुए करके रो रही है। अरे कहाँ? हाँ यहाँ। अरे सुनो, रितु पूछ रही है कि तुम्हारे लिए कुछ रखे या सारी मिठाई वो खुद खा जाए। अबे तूने तो कहा था कि मम्मी अंदर रो रही है, वो तो अंदर मिठाई खा रही है। अरे मिठाई खाते खाते हुए हुए रो रही है। देखा देखा, तुमने मेरी बेटी को कितना हर्ट किया है। ओफो रितु, रितु रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे यार ये पेड़ा मेड़ा घर में फंस गया तो खामखा मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तुमने तुमने उस रब्बा के सामने मुझे डांटा? तो और क्या करता? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह 9:30 बजे मुझे फोन मत किया करो, लेकिन तुम ठीक उसी वक्त फोन करती हो। क्या हुआ? तुम क्या जोरू के गुलाम हो गया? अरे ये भी मेरी जोरू है, याद रखिए आप। लेकिन फिर भी रिंकू के सामने मुझे डांटा? हाँ कभी मेरे सामने रिंकू को डांटा? हिम्मत हुई? नहीं। अरे चुप हो जाओ रितु, चाहिए तो और दो पेड़े ले लो, लेकिन चुप हो जाओ। डैडी चुप, तू तो बोल ही मत, तू बोल ही मत, हमेशा बड़ों की बात में टांग अड़ाता रहता है। हो क्या गया तुम्हें? अबे चुप करना, चुप कर, चुप। क्या छोटे बच्चे की तरह रो रहा है? डैडी आप ना एक बार डिसाइड कर लो कि मैं बड़ा हूँ या छोटा, क्योंकि आजकल मुझे आपके साथ डील करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखा देखा कैसी जबान चलाता है, देखा? अरे तुम लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे कोई सर पे चढ़ा के रखा नहीं है, वो तो धीरे धीरे तुम पर जा रहा है। ससुर जी आपकी वाइफ को जरा कंट्रोल कीजिए आप, वरना बस में होता तो क्या मेरा बाईपास होता? अरे ससुर जी अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तो इन्हें ही बाईपास कर देता। तुम ऑफिस चले जाओ, और जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता ना तब तक यहाँ मत आना। आऊंगा जब मेरी मर्जी करेगी, मैं आऊंगा, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ, समझी तुम? नहीं। फिर से समझाता हूँ, आऊंगा। अरे हट चल, हट जाइए, अरे हट चल ससुरा। शांत हो जा, किधर गया? शांत हो जा रोहन, किधर गया? अरे यार पहले तू डिसाइड कर, कहां देख के बात करने वाला? यहां हूं मैं।
और कैसे शांत हो जाओ? तू जानता है आजकल लोग कितने मिसबिहेव करते हैं, और उन्हें समझाने जाओ तो नाराज हो जाते हैं, उल्टा मुझसे कहते हैं मुझसे कि मैं गुस्सा करता हूँ। पता टूट मैं गुस्सा करता हूँ कभी ना, ना, ना। बस थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है बस। देख, मेरी बीयो जैसी बातें मत कर। सॉरी। हाँ नहीं, देख मैं क्या कहता हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, हाँ? है मानसी, हाँ? वो एक मनोवैज्ञानिक है, उससे जाकर मिल ले। तुम्हारा मतलब है कि मेरा दिमाग फिर गया है? ना ना मैं पागल हो गया हूँ। अरे पागल हो गया मैं। कैजुअली मिलेंगे यार। डरता क्यों है यार, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। मुझे लगा तू शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। मैं और शॉर्ट टेम्पर्ड। लीजिए सर गर्मा गर्म चाय। अरे इतनी देर से क्या कर रहा था, चाय लाने में इतनी देर क्यों? सर बॉस किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। तो बॉस के मुंह पे कॉफी फेंक कर यहाँ क्यों नहीं आया? सर अगर मैं फौरन आ जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि बॉस किससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं? एक मिनट। जी सर। बॉस किससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं? सर कोई लड़की थी, वो फोन पर कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, ओ मुझसे अकेले में आके मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, और अपनी मम्मी को बतलाना। और ऑफिस में नहीं, मैं फोन करके बताऊंगा कि हमें बाहर कहाँ कैसे कब मिलना है। कुछ कुछ सदो, शर्म नहीं आती? बॉस की बातें चोरी छिपे सुनते हैं। सर आहिस्ता बोलिए ना, अगर बॉस सुन लेंगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। बॉस ऑलरेडी सुन रहे हैं। कहाँ है? इडियट, स्टूपिड फूल। हाँ, क्या कह रहा था वो प्यून का बच्चा? नहीं सर, वो प्यून का बच्चा नहीं सर, वो खुद प्यून था, पहचान नहीं। Shut up. And you, Mr. Rohan? अब क्या हो गया सर? वो सिंगापुर वाली पार्टी का जो ईमेल कल आया था उसका जवाब तुमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर मैं कल ऑस्ट्रेलिया वाली पार्टी को ईमेल भेज रहा था। अरे तुमको मैं जो काम देता हूँ वो क्यों नहीं करते? वो काम भी आप ही ने दिया था। शान, शान, शान। देखा, 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 देखा कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अरे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इसका बॉस हूँ या ये मेरा बॉस है। क्या इसीलिए मैं जोर से बात करता हूँ? क्योंकि धीरे से बात करूं तो आपको सुनाई नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कल से जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा आप ही करिए। अरे अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं तुम्हें काम थोड़ी देता। अरे गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना कम करिए ना सर, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सब जानता हूँ मैं। तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? लेकिन अकेले में आना, हाँ अपनी मम्मी को साथ में बतलाना। अरे 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 टुटू इसे समझाओ कि मैं ये सारी बातें एक 10 साल की लड़की के साथ कर रहा था। शॉर्ट टेम्पर स्टूपिड इडियट। आंखें तो ठीक है इनकी? आंखें तो ठीक है, नजर खराब है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी आंखें देखकर नहीं लगता कि इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। हाथ दिखाइए जरा अपना। आप क्या भविष्य भी देखती हैं? जी नहीं, भविष्य नहीं, पल्स देखती हूँ। ओ अच्छा। पल्स थोड़ा हेवी है। वो पल्स नहीं डॉक्टर, मेरा पर्स है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो इनका बहुत अच्छा है। अरे डॉक्टर अगर इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही अच्छा है तो इसे बीच बीच में इतनी नाराजगी क्यों हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो जाता है ये? ऐसा हो जाता है, टेम्पररी एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है। अरे डॉक्टर फिर मैं बार बार गुस्सा क्यों होता हूँ? देखिए मैंने कहा ना, कभी कभी इनकन्वीनियंस और एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है, आदमी अपना काबू खो बैठता है। बेटे आप अपना काबू खो रहे हैं बेटे। सॉरी पापा। देखिए अब आप रोज सुबह उठ के जोर जोर से हंसने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आए तो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए और फिर जोर जोर से हंसने की कोशिश कीजिए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। अच्छा, अरे दैट्स ग्रेट डॉक्टर, आपने गुस्से पर काबू पाने का बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, थैंक यू वेरी मच। चलो लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी फीस नहीं दी? रोहन नहीं वो भूल गया था यार। दे रहा हूँ, वो क्या है ना डॉक्टर, आपको देखा तो फीस देना ही भूल गया। 500 रुपए दिए ना यार। एक्सक्यूज मी,
ये 500 रुपए मैंने आपसे 1000 रुपए कही थी मेरी फीस। नहीं नहीं आपने 500 रुपए कहे थे। देखिए मैंने आपसे 1000 रुपए कही। नहीं नहीं डॉक्टर आपने 500 कहा। देखिए आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने आपसे 1000 रुपए मेरी फीस कही थी। गलत फहमी आपको हो रही है डॉक्टर, आपने 500 रुपए कहा था। देखिए मैंने 1000 कहा था। 500 हाय डार्लिंग, देखो आज मैं जल्दी घर आ गया। हाय हाय, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूँ। एक मिनट, क्या बात है, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों बैठी हो, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। अरे बैठो ना डार्लिंग यहाँ पे, पहले बताओ मुझे क्या बात है, माजरा क्या है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या हुआ, तुम खाना खा लो। अरे खाना नहीं खाना है मुझे खाना नहीं खाना है मुझे, पहले बताओ ना बात क्या है। रोहन, वो मैं आज शाम को शॉपिंग करके रास्ते से आ रही थी ना, हाँ? तो तुम खाना खा लो। अरे खाना नहीं खाना खाना नहीं खाना है मुझे, बताओ ना जल्दी डालेंगे वो मैं रास्ते से आ रही थी ना, हाँ? तो रास्ते में एक लड़का लड़का तुम खाना खा लो। खाना उस लड़के को खाने दो, मुझे नहीं खाना है, और जल्दी से बताओ क्या बात है, वरना मैं तुझसे पागल हो जाऊंगा। हाँ, तुम खाना खा लो। अरे मैंने कहा नहीं खाना है, जल्दी बताओ ना, जल्दी बता। रोहन तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें पता चल गया क्या, किस बात का पता? तुम खाना खा लो। अरे मुझे खाना बटे या रिंकू है, कौन हो भाई तुम? बस तुम बोलो कौन है। रिंकू से क्या काम है तुम्हारा? रिंकू, ये वही लड़का है जो मुझे छेड़ रहा था। क्या बात कर रहे हैं रिंकू, अपन तेरे को छुआ भी नहीं, तू बोल रहे छेड़ रहा था, अपन तो तेरे से दोस्ती करना चाह रहा था। अरे पहले अपने पैरों में खड़ा होना सीख ले, फिर दोस्ती कर। क्या बात है, ये तेरा भाई क्यों हंस रहा है खाली पुकट? ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? क्या बात है रिंकू, यानी कि तू अपने से ही फास्ट निकली, यानी कि अपन दोनों की पैर की लाइन पहले से ही क्लियर। क्या बात है रिंकू, तूने भी हंस हंस के बजने वाला बैंड पाल रखा है, अपन तेरे पे डोरा डाल रहे ला, भाई हंस रहे ला, मजे ले यार। लगता है इसका बैंड बजाना पड़ेगा। तुम इसका बैंड बजाओगे, तुम जाते हो तुम्हारे सर फोड़ दो। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा रिंकू, अभी समझा, बिल्कुल सही जा रहे ला, हस्बैंड के सामने वाइफ को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए दोस्त के लिए। एक काम करो, तुम लगी रहो, हम आगे का प्लान तेरे को फोन पे समझाएगा। अच्छा भाई हस्बैंड, रिंकू दोबारा घर आया ना हड्डी पसली तोड़ूंगा। नहीं साइन करूंगी मैं तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जा अपने डैडी से कहो कि वो साइन करे। वो तो मुझे डांटेंगे। तुम्हारे जैसे लड़के को डांटना ही चाहिए, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कितनी मटरगस्ती चलती रहती है तुम्हारी। ओह बिट्टू, अरे तो बिजी है। ओके, अरे कोई दरवाजा तो खोलो बिट्टू के नाना। हाँ क्या है, तुम खोलो, देख नहीं रही हो मैं खा रहा हूँ। ओह हमेशा काम के वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या? मैं फिजूल के वक्त में भी खाता हूँ। क्या? तुम्हारी गालियाँ। इतना बेशरम हस्बैंड किसी को नहीं मिला होगा, इसीलिए तो टिका हुआ। अरे दरवाजा ला, आ गया तुम्हारे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिम्मेदार आदमी। अरे सासु मां, क्या है? आप तो मेरे आते ही शुरू हो गई। वाह, कंटिन्यू। तुम यहाँ अचानक कैसे? रितु डार्लिंग, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जब तक मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा लेता मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, तो अब मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है डार्लिंग। सच में डैडी? चुप, मतलब अब आपको गुस्सा नहीं आता? अरे लेकिन बात क्या है ये तो बता बेटा। ए पिट्टू, दूर से ही बताना। दूर से क्यों बताना? इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आई है देखो। अच्छा, क्या आया प्रोग्रेस रिपोर्ट में? हिस्ट्री में 35 out of 100। सिर्फ 35?
सिर्फ 35 अच्छा अच्छा इंग्लिश में 22 out of 100 22 गुड मैथ्स में 0 0 ग्रेट कॉन्ग्रेट्स अरे हंस क्यों रहे हो मैं तो समझी थी कि इसकी पिटाई होगी आज मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है काबू माय फक रितू आने दो रोहन के बच्चे को सर प्लीज सर रोहन को एक और मौका दीजिए सर मैं आपको गारंटी देता हूँ रोहन आपसे आगे से बदतमीजी से बात नहीं करेगा सर प्लीज सर प्लीज अरे मेरा कोट छोड़ो इडियट सॉरी पेन दिया सर आपका सॉरी आने दो रोहन के बच्चे को ऐसी पनिशमेंट दूंगा नो जिंदगी भर याद रखेगा अरे बहुत बर्दाश्त किया है मैंने उसे सर मैंने भी आपको बहुत बर्दाश्त किया है सर इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए सर कुछ दिनों की छुट्टी कुछ दिनों की छुट्टी अरे रोहन मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी देने को तैयार हूँ सुबह सुबह इनको हो क्या गया है अरे तूने खामखा कल इनकी गर्लफ्रेंड को लेकर इन्हें चिढ़ाया ना इसलिए ओ मतलब कल वाला गुस्सा अभी तक नहीं गया क्या बात रोहन मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा 12 बजे दूंगा मैं तुम्हारे सर उसके लिए अभी 1 घंटा बाकी है अरे सर इतना चिल्लाइए मत इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है हार्ट अटैक आ जाएगा सीधा ऊपर चले जाएंगे कंट्रोल सर कंट्रोल छोड़ो मेरा कोट छोड़ो क्यों सर इतना खराब तो नहीं है कोट क्यों अरे यार उन्हें और गुस्सा मत दिलाओ यार टुटुन मैं तो कहता हूँ इन्हें भी मानसी के पास ले जाना चाहिए वो इन्हें भी गुस्से को कंट्रोल करने के नुस्खे बता देगी कौन है ये मानसी साइकेट्रिस्ट है सर अरे साइकेट्रिस्ट की जरूरत तुम्हें होगी मुझे नहीं है अरे मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूँ सर पूछिए ना टुटुन से यस यस इसलिए तो आपसे इतनी शांति से बात कर रहा हूँ सर शांति हाँ जी मैं तुम्हारा 1 इंक्रीमेंट स्टॉप करता हूँ कैसा बॉस है यार टुटुन मैं इन्हें ट्रीट करने की बात कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट स्टॉप करने की बात कर रहे हैं अरे तुम मुझे क्या ट्रीट करोगे मैं ही तुम्हें ठीक कर दूंगा ओके तुम्हारे 2 इंक्रीमेंट स्टॉप यार अच्छा हुआ मानसी के पास चले गए वरना पता नहीं ऐसे बॉस का मैं क्या कर रहा हूँ छोड़ो 3 इंक्रीमेंट स्टॉप करता हूँ 4 इंक्रीमेंट रोहन तीखी मिर्ची खा गया भैया तीखी मिर्ची खा गया भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया अरे नहीं ये रिंकू का ही घर है पर अब तुम्हारा टाइम आ गया नया घर ढूंढने का क्यों रिंकू के पीछे गुंडा है क्या हाँ और उस इडियट ने उस गुंडे को मेरा एड्रेस भी दे दिया है तो क्या करती मैं कोई गुंडा मुझे छेड़ रहा है और तुम ही हंस रहे हो तो मैं क्या करती इसीलिए मैंने उस गुंडे से कहा कि जाओ रोहन की पहली बीवी को छेड़ो फिर देखती हूँ तुम कैसे हंसते हो ये तुमने क्या किया इडियट इडियट चुप अब हंसो ही हंसो ना एक एक मिनट तुम दोनों जानना चाहती हो ना कि रोहन इतना हंस क्यों रहा है क्यों क्यों क्योंकि तुम ही दोनों की इसके प्रति शिकायत थी कि ये जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है तो टुटुन मुझे ले गया एक साइकेट्रिस्ट के पास उसने मुझे यह सलाह दी कि जब भी मुझे गुस्सा आए मुझे हंसना चाहिए कहीं उस साइकेट्रिस्ट का नाम मानसी तो नहीं तुम्हें कैसे पता अरे वो अभी अभी यहाँ आकर हमें सलाह देकर गई है व्हाट ब्रह्मा उर्वशी अरे आते क्या खंडाला तुझे मैं ले जाता हूँ वड़ाला ये दोनों तेरी माए लगती है क्या जो इन्हें ब्रह्मा उर्वशी कह रहा है बाय मैं इसको नारियल पानी की तरह काटू किया याद रख तू है मैं है ओह नहीं अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो
कल तो मजे ले लेकर हंस रहे थे। अरे वो हंस नहीं रहा था, साइकेट्री, वो गुस्सा हो रहा था। देखो जब ये दोनों मुझ पर फिदा है और मैं इन पर फिदा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओए कृष्णन, शुरू हो जा। लुंगी उठाओ क्या? हाय, क्योंकि तुझे जींस पहनी है, ऐसे ही मार। आई ओके ये मारो और मारो, लेकिन ये दोनों मुझ पर फिदा है। देखो देखो तुम लोग मुझे मार रहे हो, बेचारी कैसे रो रही है ये। अरे रितु, रिंकू, अब तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर मानसी ने हमें एडवाइस दी है कि जब भी गुस्सा आए ना तो उसी प्रपोर्शन में रोना चाहिए। कैसी डॉक्टर हैं यार, मुझसे कहा कि जब भी गुस्सा आए हंस लेना। क्या फैमिली है यार, हा? खाली पुकट मेरा टाइम वेस्ट किया, अच्छा खासा मैं मेनका के पास जा रहा था। हाँ तो जाना वहीं जा, और एक बात याद रख, आइंदा कभी इधर आया ना तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा, समझे? बाय, मैं इसको नहीं छोड़ेगी। किधर गई? कौन है? आप है? अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि अब तो आप ही की कमी रह गई थी। मतलब ये कि आपने मेरी दोनों बीवियों को क्या सलाह दी है? सलाह नहीं दी है, गुस्से पर काबू पाने का नुस्खा बताया है, जिसकी फीस अब आप मुझे देंगे। फीस? हर बात पे फीस मांगती है। वेल ओके, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्हाट? जी हाँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरी दोनों बीवियां काम से गई हैं, इसलिए अब आप ही मेरी बीवी बन जाइए। साइकेट्री, साइकेट्री। मतलब लगता है अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए हंस रही है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी डॉक्टर मानसी, लगता है मेरी शादी के प्रस्ताव से आप बहुत गुस्सा हो गए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा कलियों।